birthday to you. Happy birthday to you. अलम का निकल गया है द हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्रेस एंड इम्प्रेस विद रानी में आपका स्वागत है। आज अरहम का बर्थडे है और मैं आप सभी के साथ उसका बर्थडे व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये एक दिन पहले मैं और अरहम के पापा उसकी शॉपिंग के लिए गए थे। डेकोरेशन का सामान लेने के लिए हम लोग गए थे ईरा पार्टी डिकोर, जहाँ के हमने बहुत अच्छी सामान हमें मिला उसके बर्थडे के लिए। वहाँ पर हमने अरहम की पसंद को ध्यान में रख के थोड़ा डेकोरेशन का सामान लिया। हम लोग घर पे थोड़ा छोटा सा ही सेलिब्रेशन कर रहे थे, बट डेकोरेशन तो करना बनता है। उसके बाद हम लोग अरहम को लेके गए शॉपिंग करवाने कपड़े की, जहाँ पर इस लड़के ने उस दुकानदार के नाक में दम कर दिया। फिर ले देके सो कुछ पसंद आया, उसको लेके हम लोग घर आए। फिर थोड़ी सी शॉपिंग लाडो को भी करनी थी तो उसे लेकर मॉल गए थे। उसके बाद मैं और लाडो और उसके पापा तीनों हम लोग लग गए अरहम का डेकोरेशन करने के लिए बर्थडे के लिए। ये अरहम के पापा हम लोग की शूट कर रहे हैं, वो भी हम लोग की पूरी हेल्प कर रहे थे और हम लोग मिल के उसका फटाफट कमरा डेकोर किए। अरहम की फरमाइश थी कि उसको रात के 12 बजे सेलिब्रेट करना है उसका बर्थडे। मतलब जैसे उसके पापा को सरप्राइज दिया था, वैसे ही अरहम को भी सरप्राइज चाहिए था। तो हम लोगों ने कहा ठीक है यार, इसे सरप्राइज देंगे। पर इतनी रात तक तो मैं जगा नहीं सकती थी क्योंकि नेक्स्ट डे उसका स्कूल था। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लगाई, मैंने रात के 10 को बजा दिए 12 और उसी टाइम उसका सेलिब्रेशन कर दिया। अब ये अरहम के पापा उसे उठा रहे हैं और ये हम लोग उसको लेके आ गए कमरे में। वहाँ पे इसके पापा ने उसकी फेवरेट पेस्ट्री ला के रखी थी, जिसे उसने कट किया। रात के 10 बजे किया, जिसको हमने घड़ी पे 12 बजा दिए थे। बस हम लोगों ने केक वेक खाया। अरहम बहुत खुश था क्योंकि ये पेस्ट्री, चॉकलेट पेस्ट्री उसकी फेवरेट थी। बस उसके बाद हम लोग सोने चले गए थे क्योंकि सुबह बच्चों को जल्दी उठना था, स्कूल था उसका। अब ये इन्होंने कैमरा पकड़ लिया है। हम लोगों ने कुछ कुछ फोटोज वगैरह क्लिक की। ये टेडी बियर उसके लिए मैं और ये लेके आए थे। इसके बाद नेक्स्ट डे वो स्कूल ड्रेस पहन के नहीं गया, ये उसका प्रोजेक्ट था कुछ। वो अपने कलरफुल ड्रेस पहन के गया था स्कूल, टोपी वोपी लगा के। यहाँ से मैं उसे बाय बोलती हुई बस इसको स्कूल भेजा, घर के काम निपटाए। उसके बाद मैं लग गई उसका उसकी फरमाइश पे उसका फेवरेट लंच बनाने के लिए। मैंने उसके लिए बनाई थी पनीर मसाला और उसके फेवरेट डोनट। बस मैंने घर के जो सामान था मेरे पास उसी से उसे स्प्रिंकल वगैरह किया, डेकोरेट किया। और ये डोनट्स के जो बीच का जो बच गया था ना, उसका मैंने छोटे छोटे डोनट्स बॉल बना दिए थे और ये बहुत यम्मी लग रहे थे खाने में। ये फाइनली उसके डोनट बन के तैयार हो गए। बस अब मैं उसका वेट कर रही हूँ कि जल्दी से वो स्कूल से आए। ये अरहम आ चुका है स्कूल से, उसने हाथ में कुछ नहीं धोया, बस हैंड वॉश किया और खाना खाने बैठ गया जैसे। और ये हम लोग शाम को जा रहे थे होटल, तो मैं और अरहम दोनों रेडी हो गए थे। उसके बाद हम सब फैमिली वाले मिल के होटल के लिए निकल गए। ये हम लोग गए थे तक्षशिला होटल गए थे। बहुत ही अच्छा होटल था, बहुत स्पेशियस था, बहुत अच्छा लगा था। थोड़ा शहर से आउटर है बट खाना वाना यहाँ का बहुत ही अच्छा था। यहाँ से इसकी एंट्री थी, ये वहाँ का रिसेप्शन, वहाँ का स्टाफ भी बहुत ही अच्छा था।
हम लोगों ने बैठा, इत्तेफाक की बात है उस होटल में तीन लोग थे जिनका बर्थडे था, वहाँ पे तीन सेलिब्रेशन हुए थे वहाँ पे बर्थडे के। हम लोगों ने अरहम का बर्थडे सेलिब्रेट किया, जहाँ पर अरहम किसी को भी कुछ नहीं करने दे रहा था, उसी को पार्टी बॉम्ब फोड़ना था, उसी को स्प्रे डालना था, सब काम उसी को करना था, वो किसी और को छूने ही नहीं दे रहा था। फिर ले देके उसके पापा ने उसको कन्विंस किया और केक कटिंग करवाई उससे। अरहम ने केक कट और सारा केक खुद ही खाया, उसने किसी को भी केक नहीं खिलाया। अरे कि बहुत ज़्यादा खुश था, बस उसने केक कटिंग किया और उसके बाद सीधे अंदर चला गया रेस्टोरेंट में। ये हम लोगों ने बाहर सेलिब्रेट किया था, वहाँ पे स्टेज बना हुआ था तो हम लोग वहाँ, अब बस उसने ऑर्डर भी खुद ही कर दिया था उसे क्या क्या खाना है, और बहुत अच्छे तरीके से, मुझे पता नहीं था कि अरहम इससे क्या बोलते कि अरहम चॉपस्टिक से इतने अच्छे तरीके से खा लेता, वो बहुत अच्छे से खाया था, और वो घर से लेके गया था चॉपस्टिक अपनी। और ये अरहम का फेवरेट पनीर तूफानी मंगवाया गया था, अरहम को पनीर बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और उसके लिए नान आई थी उसकी फेवरेट। बस हम लोगों ने मिलके सब खाना वाना खाया, फिर वो अपने बड़े पापा के साथ निकल गया कि मुझे स्कूटी में जाना है। और वापस आके हम लोगों ने मैच देखा, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, वाओ व्हाट अ मैच। और हम लोग आए कदम देखा और इंडिया जीत गई, अरहम की जो बर्थडे की खुशी थी वो डबल हो गई थी इंडिया के जीतने से। बस लास्ट में अरहम के लिए एक बार पार्टी बॉम्ब हम लोगों ने रखा था, उसे फोड़ने के लिए बोला पर वो नहीं फोड़ पाया, तो उसे मैंने फोड़ दिया और वो रोने लग गया। अब अरहम का बर्थडे हो चुका है, इस तरह हमने बर्थडे व्लॉग की एंडिंग। प्लीज गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज प्लीज वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए। थैंक यू, जय जिनेंद्र।